यहाँ पे हमारे पास खबर एक भी कर रहे थे। आज वो लास्ट क्लास ये पर एनसीईआरटी के सारे सारे क्वेश्चन को लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं क्या चीजें उसके अंदर रह गया हो कुछ अगर। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। और इसके बाद आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है सबको? तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमारे यूज हो रहे हैं। मैं बड़ा खुश है, नया लैपटॉप मिल गया मेरे। हैं मैन भी नया लैपटॉप लेकर घर से, नए लैपटॉप से फिर पढ़ाई करनी शुरू करेंगे, अभी घर पढ़ना नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक हमारा क्वेश्चन रह गया है टाइप जो मैंने नहीं करी थी हम लोगों ने असाइनमेंट के अंदर भी। ये था हमारा 5.3 एक्सरसाइज पे आ जाओ। 5.3 पे क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप का ना आपको जो मेरे असाइनमेंट हमारे दिए हुए उसके अंदर बड़े सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो आपका बोल रहे क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एसएन गिवन है। एसएन हमें सम ऑफ एन टर्म्स कितना गिवन है? ये 4n माइनस एन स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर ये आपको क्या गिवन है? सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। अब सम ऑफ एन टर्म्स से फर्स्ट टर्म कैसे निकालूं? अगर मेरे को nth टर्म गिवन होता है n को 1 पुट करूंगा, फर्स्ट टर्म 2 पुट करूंगा, सेकंड टर्म 3 पुट करूंगा, थर्ड टर्म आ जाती है n की जगह 1 2 3 पुट करके। बट यहां पे क्या गिवन है? सम गिवन है। तो हम लोग क्या करें, सम को 1 पुट कर देते हैं। सम को 1 पुट करो तो ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ वन टर्म एस वन। एस वन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म। और सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या होता है पार्टनर? गुरुग्रंथ गुरुग्रंथ गुरुदत्त है। सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय सम ऑफ वन टर्म? जसकरण सम ऑफ वन टर्म, एक ही टर्म का सम है कितना है? वो थ्री है। एक ही टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? थ्री हो गई है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा? थ्री। अब एस को टू पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4। अब ये क्या आ गया? एस टू। एस टू का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब क्या होगा बेटा? S मतलब सम। किसका सम? टू टर्म्स का। तो टू टर्म्स कौन सी होंगी? A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू 3 पुट कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी आपके पास 1। तो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, दोनों को माइनस कर दो तो D आ जाएगा। तो D आपके पास आ गया माइनस 2। अब क्या कर रहे हैं? आगे 10th टर्म, nth टर्म, 20th टर्म, कोई भी टर्म मांगेगा सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो जब भी सम गिवन होगा n को 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म होगी, बट 2 पुट करूंगा तो वो a2 नहीं होता। s2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स। s2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स। ले रहे यहां तक? नेक्स्ट एनसीईआरटी
एनसीईआरटी में एक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रीड करिए, आप क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो आप क्या बोल रहे हैं बेटा, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, 7 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7y2 2a प्लस 7 माइनस 1 विच इज 6d इज इक्वल टू 49। पूरे में से 2 कॉमन लेके बाहर से कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। ये 7 राइट साइड पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 49 बाय 7 आपके पास 7 आ जाएगा। तो a प्लस 3d आपके पास 7 आ जाएगा। साथ में क्या है आपको, सम ऑफ 17 टर्म्स 289, 17 टर्म्स का मतलब क्या होगा, सम का है 17 बाय 2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। फिर हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 17 a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 17 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 8d कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर है, a मतलब a1 ही होता है, a लिखो a1 लिखो a की बात होती है। अब दो आपके पास इक्वेशन आ गई है, दोनों को सॉल्व करो, a प्लस 8d 7, 3 a प्लस 3d 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी को 2 वापस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास ए आ जाएगा, ए का मतलब हो गया 1। अब हमें आगे क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, क्या फॉर्मूला होगा बच्चे, एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1d, n by 2, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 2 है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n by 2, इस पूरे का सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो सम ऑफ n टर्म्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगी। सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर, नोट करके डन। अब यहां पे आप क्वेश्चन में सम ऑफ 7 टर्म्स गिवन था, आप s7 का फॉर्मूला लगाया, s17 का फॉर्मूला लगाया, दो इक्वेशन है सॉल्व करके a और a और d की वैल्यू आई, सम ऑफ n टर्म्स निकाला तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप अगर क्वेश्चन को ही देखोगे, यहां 7 था तो 7 का स्क्वायर कितना है 49, 17 का स्क्वायर 289, तो n टर्म्स का स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसको। किसी का डाउट यहां तक, बढ़िया ना क्वेश्चन। अब ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन करो, इफ n टाइम्स, सॉरी नॉट m टाइम्स, इफ mth टर्म कर दो, इफ mth टर्म इज 1 बाय n, ये बोर्ड में आता है इंपॉर्टेंट है, एंड mth टर्म इज 1 बाय m, mth टर्म 1 बाय n, nth टर्म 1 बाय m, find first term common difference and mnth term, mn term 1 by n hai, nth term 1 by m hai, hame nikalna kya hai, mnth term nikalna hai। अगर किसी ने असाइनमेंट ढंग से करा हो
तो उसको याद आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का असाइनमेंट में भी था, उसमें क्या था, सेवेंथ टर्म 1/90, नाइन्थ टर्म 1/70, अगर याद होगा तो। असाइनमेंट में पहले पेज पे था, mth टर्म 1/n है, मतलब a प्लस m माइनस 1d, 1/n के इक्वल है। nth टर्म 1/m है, nth टर्म 1/m है, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1d, ये किसके इक्वल होगा, 1/m के इक्वल। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो a आएगा। सॉल्व करो यहां से अपने आप, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं, आराम से अपना सब लोग नोट करो, ट्राई इसके आगे, a और d की वैल्यू निकालो, फिर मैं कराता हूं आगे। पहली इक्वेशन a plus m minus 1d is equal to 1 by m, सेकंड इक्वेशन a plus m minus 1d is equal to 1 by m, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वेरी गुड अंजिका एंड सोमन, यहां से बी कॉमन आ रहा है, तो जगह एम माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन डी, वन बाय एन माइनस वन बाय एम, एम माइनस एन डी, एलसीएम लो राइट साइड पे, एम माइनस एन बाय एम एन, एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/mn, d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/mn। नेक्स्ट, अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, फर्स्ट इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, a प्लस एम माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू वन बाय एन, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा तो a प्लस एम बाय एम एन माइनस वन बाय एम एन इज इक्वल टू वन बाय एन, a प्लस वन बाय एन माइनस वन बाय एम एन वन बाय एन, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज अगेन वन बाय एम एन, निकालना कौन सी टर्म है, एम एन एच टर्म, एलसीएम सेम हो जाएगा, वन प्लस एम एन माइनस वन, एम एन बाय एम एन कितना आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। सबको एम एन नहीं आंसर वन आएगा बेटा, आंसर वन, एम एच टर्म वन बाय एन है तो ए प्लस एम माइनस वन डी वन बाय एन, एन एच टर्म वन बाय एन तो ए प्लस एम माइनस वन डी वन बाय एन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी आ जाएगा, वापस सब्स्टिट्यूट करूं किसी भी इक्वेशन में तो ए आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू आप क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे कहां पे, जहां पे सब आपको क्या निकालना है, एम एन टर्म निकालनी है। अगर आपको बोलते हैं सम ऑफ एम एन टर्म्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, mn by 2, first term होगी a, last term हो जाएगी mn, जो जाएगा mn by 2, first term की वैल्यू है 1 by mn, mnth term की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, LCM लो, तो कितना हो जाएगा mn by 2, LCM mn, 1 plus mn, ये एवेंट जेवन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचता है आपके पास, दैट सम ऑफ एमरेट टर्म इज mn + 1 / 2, सम ऑफ mn टर्म इज इक्वल टू mn + 1 / 2। याद है नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। प्रप्रीत गुल्ली क्लियर है बेटा आप लोगों को, गर्व पुनीत क्लियर है, सर हाउ डू वी नो एम एन इज लास्ट टर्म, क्योंकि बोल ही रहा है एम एन टर्म का सम निकालना है, अगर 10 टर्म्स का सम बोलेगा तो उसमें 10 तो 10 टर्म लास्ट हो जाएगी ना, ठीक है सौम्या,
अगर मैं बोलूंगा पहले पांच घर में कितने बच्चे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि पांच ही पहले पांच घर लूंगा, बोलूंगा दस घर में कितने बच्चे हैं तो फिर वन टू टेन लेंगे। After this, अगला क्वेश्चन लिखो, if m times the mth term, if m times the mth term is equal to n times the nth term, if m times the mth term is equal to n times the nth term, फाइंड क्या करना है वो बाद में बताता हूं, पहले इसको सॉल्व करो। क्या बोला हमने, m times the mth term is equal to n times the nth term, n की वैल्यू पुट करो, n की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब क्या करेंगे, यहां पे m से मल्टीप्लाई करो, यहां पे n से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा बच्चा हमारा, m प्लस m स्क्वायर माइनस m d, n से मल्टीप्लाई करो, n प्लस n स्क्वायर माइनस n d। लॉरेंस समझ आ रहा है, लवलीन मनीत आपने दो क्लासेस मिस करी है बेटा, वीडियोस देख लेना पुरानी, पार्ट क्लियर है बेटा। अब क्या करें आगे, ए को लेफ्ट पे ले आओ, डी को राइट पे ले जाओ, इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, अमन यमन बन गया, ए माइनस एन अमन, ए कॉमन ले लो अमन में, क्या बन जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस एन, राइट साइड में से डी कॉमन ले लो, बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एन। अब यहां पर देखिए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, इनको एक साथ रख लो, फिर एन माइनस माइनस एन प्लस एन माइनस वन कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा ये एन माइनस एन बच जाएगा, एन टू डी, ए टाइम्स ऑफ एन माइनस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस एम एन माइनस एम माइनस वन एन माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई डी। क्लियर है, अब राइट साइड से क्या कॉमन है, एन माइनस एन कॉमन है, तो पूरे ब्रैकेट में से एन माइनस एम कॉमन ले लो, क्या बचेगा एन प्लस एम माइनस वन डी। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है, अब क्या करें, यहां पे m माइनस एन है, यहां पे n माइनस एम है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो किसी एक पे माइनस आ जाएगा किसी एक तरफ, तो लेफ्ट पे माइनस रख लेते हैं, सो हो गया माइनस a इज इक्वल टू n प्लस एम माइनस वन डी, राइट साइड पे ले जाओ तो हो जाएगा a प्लस n प्लस एम माइनस वन डी, a प्लस n प्लस एम माइनस वन डी। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एम माइनस एन को एन माइनस एन से डिवाइड करूंगा तो माइनस कॉमन लूंगा ऊपर से, इसी वजह से वो भी एन माइनस एन बन जाए। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था एम टाइम्स द एमथ टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स द एनथ टर्म, तो सॉल्व करा दे, एम की वैल्यू पुट करी, एम की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई करा, फिर मैं ए को लेफ्ट पे ले आया, डी को राइट पे ले गया, यहां से हमने डी कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, यहां पे टर्म्स को मैंने रीअरेंज करा है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को यहां लिखा, माइनस एन और प्लस एम में से माइनस वन कॉमन लिया, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, पूरे में से एन माइनस एन कॉमन ले लिया। ठीक है, क्लियर है भाई। अब आगे क्वेश्चन में आपके पास है फाइंड ए प्लस ए फाइंड एम प्लस एनएफ टर्म,
एम प्लस एन एच टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, और इसकी ये वैल्यू यहां पे निकालनी है, कितनी आ गई ये? जीरो आ गई। समझ आ गया? ऐसे ही अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है भाई, डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। हाथ खड़े हुए, किसका हाथ खड़ा हुआ है? किसका हाथ खड़ा हुआ पता ही होगा। अब क्या समझो, क्या हाथ खड़े हुए हैंड है, इसका मतलब क्या होता है? थर्ड स्टेप में डी को राइट में लेके गई है, ए को लेफ्ट पे लेकर आए हैं, ये हमने करा है। ए को लेफ्ट पे ले, ए एम लेफ्ट पे आ जाएगा, ये वाला राइट पे आ गया, बस यही करा है। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ सम ऑफ एम टर्म्स। अब ना देखो मेरे को ना ये ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे एन माइनस एन कॉमन दिया है, यहाँ पे यार एन माइनस एन कॉमन दिया है, ये एन माइनस एन दो जगह आ रहा है, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, फाइंड क्या करना है इसको भी आखिरी में लिखवाएंगे। सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, करो सॉल्व। सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, एम टर्म्स का सम एम बाय टू, टू ए प्लस एम माइनस वन डी, एम बाय टू, टू ए प्लस एम माइनस वन डी। यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे और एम बचा, एम को आगे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एम को मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा टू ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी, टू ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी। अब दोबारा से ए को लेफ्ट पे ले आओ, डी को राइट पे ले जाओ, लेफ्ट पे क्या कॉमन है? टू ए, क्या रह जाएगा? एम माइनस एम। राइट वाले में क्या कॉमन है? डी, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, टू ए एम माइनस एम डी। इसको हमने अभी सॉल्व करा था, सॉल्व करके क्या आता है? एम प्लस एम एन माइनस एम माइनस वन, एन माइनस एम आ रहा था, एम माइनस एम अभी हमने कॉमन निकाला पीछे जब क्वेश्चन करा था, तो सेम आ गया। फिर दोबारा आप अगर एम माइनस एन और एम माइनस एन इनको अगर कैंसिल करोगे तो लेफ्ट में माइनस वन ले लो, सो माइनस टू ए इज इक्वल टू एन प्लस एम माइनस वन डी। राइट साइड पे ले जाओ तो क्या आ जाएगा? टू ए प्लस एन प्लस एम माइनस वन डी। क्लियर है? सेम ही हो गए स्टेप्स हमारे। आपको यहां पे निकालना है फाइंड द सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स किसके हो जाएगा? एम प्लस एन बाय टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, और टू ए प्लस एन माइनस वन डी का सम कितना है हमारा? जीरो है। क्या आंसर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मेरा भाई नोट कर लो, इसको नोट करके डन।
तो इजी है क्वेश्चन हमारे, अगर एम एन के टाइप में आ गए हमारे क्वेश्चन, तो एम एन के टाइप में या पी क्यू, अब एम एन की जगह क्वेश्चन में आपका पी क्यू आ सकता है, ए बी की फॉर्म में ले सकता है, कोई फॉर्म आ सकती है, बट ये क्वेश्चन जो इसी मेथड से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो।